यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एंड गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो है टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड इट्स एस्टिमेशंस, ठीक है। सो गाइस बेसिकली हम लोग यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इवन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट ईयर से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो गाइस हमारी रीडिंग जो है, जो बुक जो है गुजराती, दामोदर गुजराती का, उससे कनेक्टेड है। एंड गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमने इधर दूसरी बुक से उठाए हैं, ठीक है। गाइस बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना, यहाँ पर ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन इज गाइस लिखना, यहाँ पर स्टेट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट whether the statement is true or false, ठीक है। तो स्टेटमेंट है जी यहाँ पर के द मॉडल, दूसरे पेंस लिख देता हूँ, द मॉडल मॉडल बट नॉट एन इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। तो गाइस ये हमारे सामने एक इक्वेशन है, ठीक है जी, दैट इज वाई इक्वल्स टू, बेसिकली वाई इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स, क्लियर बेटा। तो ये एक हमारे पास में इक्वेशन है, हमें बताना है कि जैसे ये गाइस आपकी मैथमेटिकल मॉडल है लेकिन ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, ठीक है। गाइस हमें बताना है कि ऐसा है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2017-18 में आया है, ठीक है। 2017-18 में आया है क्वेश्चन, और फॉर द 3 मार्क्स, ठीक है बेटा, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आया। तो गाइस ध्यान रखना, इट्स अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको इसमें इसकी थ्योरी अच्छे से पता होनी चाहिए। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे, तो आपको गाइस कॉन्सेप्चुअल चीजें पता होंगी। कि देखो ये तो बात कंफर्म है कि ये जो हमारा मॉडल है, ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल है, क्योंकि गाइस ये आपकी एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, यानी जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो भी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है वो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका मैथमेटिकल मॉडल तो है, लेकिन जहां बात आती है इकोनॉमिक मॉडल की, तो इकोनॉमिक मॉडल में खास बात क्या होती है कि हम लोगों को ना जो एक्स और वाई है इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। मान लो क्वेश्चन में ये अवेलेबल होता है कि जो वाई है वो इनकम है और एक्स जो है वो एजुकेशन है, या एक्स जो है वो एज है, या एक्स जो है वो कोई भी इनकम सोर्स है, ठीक है। या फिर वाई, आप मान लो वाई दिस इज द डिमांड फॉर गुड एंड एक्स इज प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। तो ऐसा मतलब कुछ भी इकोनॉमिक्स टर्म्स में कोई लिखा हुआ होता तो कहते हम तभी उसको इकोनॉमिक मॉडल बोल पाते, कहते लेकिन ये इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, ये सिर्फ उसे मैथमेटिकल मॉडल है। अगर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग इकोनॉमेट्रिक्स के अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स को ही पढ़ते हैं। इकोनॉमिक मॉडल कब बनता है मैथमेटिकल मॉडल, जब वहां पे वेरिएबल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज गाइस द मॉडल रिमेन्स मैथमेटिकल, क्लियर। तो गाइस छोटे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसका, वो लिख लीजिएगा आप लोग, दैट इज द गिवन मॉडल इज अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल मॉडल बिकॉज इट इज डिटर्मिनिस्टिक It is deterministic, which means a given value
विच मीन्स अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स विल गिव गिव फिक्स्ड और बेसिकली पर्टिकुलर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है. हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, अभी भी लिख सकते हो साथ में, द अबव मॉडल बिकम्स इकोनॉमिक इकोनॉमिक व्हेन एट लीस्ट या फिर व्हेन देयर इज सम मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सम मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिलेटेड टू वेरिएबल्स, रिलेटेड टू वेरिएबल्स सच एज, मतलब लाइक कह सकते हो लाइक y is equals to beta 1 plus ka beta 2 x, y is the quantity of good and x is the price of good. ठीक है, y मतलब y is the quantity of good and x is the price of good. ठीक है, तो गाइस ये संभव आप यहाँ पे चीजें आप समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई. चलिए जी, एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया हमारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर टू. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग रेग्रेशन मॉडल्स, रेग्रेशन मॉडल्स That is, कौन कौन सा, एक बार देख लेते हैं. y is equals to e to the power beta 1 plus beta 2 x plus का mu. Second है जी, y is equals to 1 upon में 1 plus e to the power beta 1 plus beta 2 x plus का mu i. ठीक है, and c है जी हमारे सामने, ln y I is equals to beta 1 plus beta 2 1 upon में x plus का mu i. ठीक है, and d है जी हमारे सामने यहाँ पर, y I is equals to beta 1 plus 0.75 minus beta 1 into e to the power बीटा टू इंट द पावर बीटा टू. आई थिंक ये मुझे इधर लिख देना चाहिए, काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये वाला. या डी है जी, वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का 0.75 माइनस का बीटा वन टू द पावर, मतलब इंटू ई टू द पावर बीटा टू इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस का टू. क्लियर, एंड बेसिकली प्लस म्यू आई. ये जस्ट इस टाइप से गए हमारे पास में एक ही पार्ट है, समझ लो. एंड एक और देख लेते हम लोग यहाँ पे बेटा, ई काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा बेटा ये. वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस का म्यू आई. ठीक है, कह दिए हमारे पास में पांच पार्ट्स हैं. ठीक है, ए बी सी डी ई, और इन पांच पार्ट्स में बेटा हर एक पार्ट में तीन चीजें पूछी हुई है. ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि वो तीन चीजें क्या पूछी हुई है जो हर पार्ट में आपको आंसर करनी है. दैट इज फर्स्ट है जी, यहाँ पे फर्स्ट है जी हमारे सामने, दैट इज आर द अबव, आर द अबव लीनियर रेगुलेशन मॉडल, आर द अबव मॉडल्स लीनियर रेगुलेशन
मॉडल्स, एक ही बात, वाई और वाई नॉट, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इज इफ नॉट इज इट पॉसिबल, पॉसिबल इज इट पॉसिबल बाय सूटेबल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस टू कन्वर्ट देम टू लीनियर मॉडल्स, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई, इसको यहां लिख लेते हैं हम लोग जस्टिफाई को, ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज, विच इज लास्ट, बेसिकली व्हाट इज मीन्ट बाय, व्हाट इज मीन्ट बाय एंड इंट्रिंसिकली, एंड इंट्रिंसिकली फिकली इंट्रिंसिकली लीनियर रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन मॉडल, ठीक है जी। विच ऑफ द रेग्रेशन मॉडल्स, विच ऑफ द रेग्रेशन मॉडल्स आर इंट्रिंसिकली इंट्रिंसिकली लीनियर, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, इनमें नहीं, आपका पास्टर क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेन तो बात वही है गाइस, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि कौन सा मॉडल लीनियर है, कौन सा मॉडल लीनियर नहीं है, ठीक है। और हमें बेसिकली तीन, हम तीन पार्ट सॉल्व करने, तो हम एक क्या करते हैं, हम वन बाय वन क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब वन बाय वन पार्ट उठाते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, और उनमें तीनों आंसर देते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले मॉडल में उठा लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स प्लस का ई आई, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैंने सबसे पहला पार्ट उठाया, वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स प्लस का म्यू आई, ठीक है। तो सबसे पहला पहले मैंने मॉडल बेसिकली ये उठा लिया। देखो अगर मैं इसमें ए पार्ट सॉल्व करता हूँ, ए पार्ट क्या था हमारा, ए पार्ट था आर द अबव मॉडल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्या ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, यस और नो, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो बेटा मैं आपको जस्ट एक बार बताना चाहता हूँ, हम लोग ये मान के चलते थे कि मॉडल्स आर लीनियर इन वेरिएबल, लीनियर इन पैरामीटर, बट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल्स, ठीक है। जो मॉडल होने चाहिए हमारे बेटा वो पैरामीटर्स में लीनियर हो, ठीक है, वेरिएबल में हो या ना हो डजंट मैटर। लेकिन एक चीज, एक बात ये सोचो आप कि जब आप इस मॉडल को बेसिकली सॉल्व करते हो, बताते हो आप इसका लीनियर रिग्रेशन मॉडल बताते हो, तो क्या एक्सपोनेंशियल वाले, जैसे एग्जांपल हमारे पास में जो बीटाज है, बीटाज एक्सपोनेंशियल में आ गया, बीटाज बेसिकली बेटा कहाँ गया, एक्सपोनेंशियल में आ गया बीटाज, ठीक है। तो क्या ये हमारा रिग्रेशन मॉडल लीनियर हो पाएगा, हाँ जी बेटा, क्या ये रिग्रेशन मॉडल हमारा लीनियर हो सकता है, एनीवन एल्स हो सकता है, नहीं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट अ लीनियर रेग्रेशन मॉडल। एंड गाइस आई रिपीट, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है कि भाई लीनियर रेग्रेशन मॉडल का बेसिकली मतलब ही क्या होता है ना बेटा, ठीक है ना बेटा। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मतलब लीनियर रेग्रेशन मॉडल बोलते हैं किसकी हम लोग, ध्यान रखना, रेग्रेशन मॉडल्स इज लीनियर इन पैरामीटर, स्ट्रिक्टली लीनियर इन पैरामीटर, बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल, ध्यान रखना गाइस, दिस इज द अजम्पशन ऑफ सीएलआरएम, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अजम्पशन ऑफ सीएलआरएम, या इसके बिकॉज में लिख देंगे हम लोग बेसिकली, यहां पे इसके बिकॉज में लिख दूंगा मैं, ठीक
ठीक है बेटा, इसका बिकॉज लिखना है, इसका रीजन है, ठीक है जी। तो जैसे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज बिकॉज, बिकॉज दिस इज एन, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू एंड द अजम्पशन ऑफ, ये तो हर जगह लिख देना आप, मतलब हर पार्ट में, अजम्पशन ऑफ सी एल आर एम इज दैट, सी एल आर एम दैट दैट द मॉडल, द मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर, बट इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल, इन वेरिएबल, लीनियर इन वेरिएबल, ठीक है। गाइस ये हमने जस्ट एक पार्ट का आंसर दिया है, अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ लो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में, दैट इज इफ नॉट, जो कि यहाँ पे नहीं है, इफ नॉट इट इज पॉसिबल बाय सूटेबल एलजेब्रिक मैनिपुलेशंस टू कन्वर्ट देम टू लीनियर मॉडल्स, कि पॉसिबल है कि आप उसको लीनियर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। यस गाइस, देखो बेटा क्या है कि इसको बगैर छेड़े ऐसे बताओ, क्या है, क्या ये लीनियर, क्या ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो ऐसे देखने में नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कन्वर्ट कर देते हैं इसको, वो ये जो चीज बोल रहे हैं, क्या पॉसिबल है कि आप इसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके, मान लो ये था हमारा थोड़ा कुछ भी यहाँ पे एलजेब्रिक, सूटेबल एलजेब्रिक मेथड लगा के आप इसको लीनियर बना सकते हो, तो गाइस यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, यस देयर इज अ, there is a possibility by using simple or suitable algebraic, by suitable algebraic manipulation to convert this model, this non-linear model into linear model, linear regression model. So, जैसे कि आपके सामने ये था, taking log on both side, taking log on both side, ठीक है, log आपने वो भी natural log लिया, ठीक है, ध्यान रखना natural log लिया जिसका जिसका बेस ई होता है, ठीक है, ऑन बोथ साइड एंड आफ्टर दैट क्या होगा बेटा, यहाँ पे आएगा एल एन वाई इज इक्वल्स टू एल एन ई टू द पावर बीटा वन प्लस का बीटा टू एस प्लस का म्यू आई, यहाँ से कैंसिल आउट, दिस इज एल एन वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस का बीटा टू एस प्लस का म्यू आई, ठीक है बेटा। सो दिस इज बेसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, एक हमारा ये पार्ट हो गया। अगला पार्ट है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय एन इंट्रिंसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यानी वो कहते हैं जी इंट्रिंसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या होता है, एक तो ये बताओ एंड फिर बताओ जो मॉडल सॉल्व कर रहे हैं क्या वो इंट्रिंसिकली लीनियर मॉडल है, ठीक है गाइस, वो जस्ट हमसे पूछ रहे हैं, तो ये बात समझना। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा इंट्रिंसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है वो मॉडल होता है जो बेसिकली देखने में नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मेथड लगा लोगों के, थोड़ा सा उसको मान लो मैनिपुलेट करके या थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ कन्वर्जन मेथड्स लगा के आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, किसमें, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, किसी भी सूटेबल मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पर वो मॉडल जो स्टार्टिंग में रेग्रेशन नहीं होता, लीनियर रेग्रेशन मॉडल नहीं होता, क्योंकि वो दिखने में लगता है नॉन लीनियर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम बेसिकली आफ्टर यूज ऑफ एनी एलजेब्रिक मेथड हम उसको अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो गाइस फिर उसे हम लोग बोलते हैं दिस इज द
intrinsically linear regression model, ठीक है? In this case, this model is, yes, this is the intrinsically regression model. Okay, मैं एक काम कर देता हूँ, पहली बात मैं स्टेटमेंट को लिख भी देता हूँ जो मैंने बोला है, ठीक है? जरा समझना, a non-linear regression model, a non-linear regression model is said to be an intrinsically linear regression model if it can be converted into a linear regression model using any suitable mathematical or algebraic manipulation. ठीक है? एंड रही बात उसकी कि क्या ये हमारा मॉडल इंट्रिंसिक है, यस हम कह सकते हैं यस द अबव मॉडल इज इंट्रिंसिकली, ठीक है? हमारा मॉडल इंट्रिंसिकली मॉडल है. क्लियर गाइस? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? चले जी गाइस, हमने ये अभी एक ही पार्ट करा है, देख रहे हो आप, अभी फिलहाल हमने सिर्फ ये एक ही पार्ट किया है, ठीक है? नाउ अब देखो बेटा, बात सारी इतनी सी है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, मैं अगर आपको यहाँ पे हिंट भी दूँ ना तो भी आप समझ जाओगे. मैंने पहला वाला इसलिए बहुत बढ़िया से करा दिया, अब जरा एक एक करके ऐसे ही हिंट में समझ लो गाइस, सॉल्व करना, मुझे सोल्यूशन भेजना. अब जैसे ये वाला बी वाला है, दैट इज वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस दिस, मुझे सबसे पहले ये चीज बताओ क्या ये लीनियर है? नहीं. क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि वही वाली लॉजिकल बात, जो इधर अप्लाई हो रही थी वो इधर अप्लाई होगी, क्योंकि जो बीटा 1 बीटा 2 है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, ठीक है? मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल है, फिर रेसिप्रोकल है. तो पहली बात तो ये लीनियर नहीं है, एक बात हो गई. दूसरा क्वेश्चन है इनका, क्या आप इसे लीनियर बना सकते हो किसी भी मेथड को यूज करके? यस और नो गाइस, क्या आप उसको लीनियर रिग्रेशन बना सकते हो किसी भी मेथड को यूज करके? यस यू कैन. बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एंड जब लॉग लोगे तो बड़ा एक्सपोनेंशियल हट जाएगा. तो ये क्या होगा, बेसिकली ये इक्वेशन ऐसी बन के आ जाएगी कि ln एंड ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 x प्लस का म्यू i, ठीक है? एंड आफ्टर दैट वो पूछते हैं क्या ये इंट्रिंसिकली मीन इंट्रिंसिकली इंट्रिंसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है? यस गाइस, क्योंकि ये मॉडल पहले लीनियर नहीं था, हमने उसको लीनियर बनाया है. क्लियर गाइस? मतलब अब उसकी डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है. ऐसे हमारा जो है सी पार्ट, अब देखो ln y is equals to beta 1 plus का beta 2 1 upon में x plus का mu i, मुझे बताओ क्या ये लीनियर है? यस गाइस, क्या ये लीनियर है? यस ये लीनियर है. क्यों? इसकी पावर क्या? 1 दैट्स इट. बीटा 1 की पावर 1 है, बीटा 2 की पावर 1 है, तो गाइस यस दिस इज लीनियर, ठीक है? ये लीनियर है. अच्छा अब ये बताओ क्या यदि लीनियर है तो ये वाली सेकंड वाली बात इस पे अप्लाई होगी, ये वाली इफ नॉट, तो इफ नॉट वाली बात तो खत्म ही हो गई. तो हमें सी पार्ट में सेकंड चीज सॉल्व ही नहीं करनी है, कोई भी एलजेब्रिक मेथड नहीं लगाना. उसके बाद कहते हैं क्या ये इंट्रिंसिक है? नो, ये इंट्रिंसिक भी नहीं है. क्लियर बेटा? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई यहां पर क्लियरली? चलो जी अगला बात करते हैं इसका डी पार्ट. देखो डी पार्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का ये इक्वेशन एंड बीटा 2 पावर में चला गया. बात ही खत्म हो गई ना जैसे ही पावर में चला गया, ठीक है? मान लो माइनस है, एग्जांपल माइनस है यहाँ पर, गाइस वो मैटर नहीं करता. अब ये देखो बीटा 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, ठीक है, पावर में चला गया e की. तो गाइस ऑब्वियसली बात है ये लीनियर नहीं है. और गाइस ये लीनियर नहीं है तो चलो एक पार्ट का आंसर आ गया, नो इट इज नॉट लीनियर. फिर बी हमारा था कि हम इसको लीनियर बना सकते हैं,
क्या कुछ पॉसिबिलिटी कि इसको लीनियर बनाया जा सकता है? हाँ जी बेटा, गाइस पता है क्या होगा, आप इसको ट्राई करके देखोगे, आप इसको ट्राई करके देखोगे, एक चीज बता दूं मैं आपको, ये लीनियर भी नहीं, ये आप इसको चाह कर भी कुछ भी एलजेब्रिक मेथड लगा के नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? रीजन इस बात का, देखो ये बेसिकली बन जाएगा ये कुछ ऐसा मॉडल, बीटा वन प्लस का 0.75 e to the power ये, एंड माइनस का बीटा वन टू द पावर ये। तब कुछ भी कर लोगे गाइस, तब भी आपका ना बीटा वन बीटा टू अलग अलग नहीं हो पाएगा, अलग अलग विद पावर वन। अगर आप यहाँ पे लॉगरिथमिक भी ले लोगे ना बेटा, तो भी अब देखना आपको आउटकम नहीं मिलेगा यहाँ से, ठीक है? देखो बीटा वन इंटू बीटा टू भी लीनियर शो नहीं करता है, ठीक है बेटा? अगर बीटा वन बीटा टू मल्टीप्लाई में हो जाए तो बेटा वो शो नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे अब जब आप लॉग लोगे तो लॉग से ई कट जाएगा और बीटा वन बीटा टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और साथ साथ वहां पे लॉग भी होगा, तो गाइस वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है गाइस, ये भी आपका एलजेब्रिक की मेथड की साइड से आप इसको लीनियर नहीं बना सकते, ठीक है? क्या ये इंट्रिंसिक है? नहीं, ये इंट्रिंसिक भी नहीं है। क्लियर? ई पार्ट को देखो गाइस ध्यान से, ये बीटा वन की पावर वन है, बीटा टू की पावर थ्री है, क्या ये लीनियर है? नो नो गाइस, एक बात होगी। दूसरा आंसर, क्या आप इसको एलजेब्रिक मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हो? एनी कोई ऐसा मेथड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड भी नहीं ले सकते। अब क्या लगाओगे? पावर आ गई बीट, अगर पावर यहाँ पे तीन आ गई, मतलब जब पावर बढ़ जाती है तो गाइस यहाँ पे आंसर बेसिकली हमारे लीनियर नहीं होता है। एंड थर्ड पार्ट इसका, क्या ये इंट्रिंसिक है? नो, क्योंकि ये लीनियर भी नहीं और ये कन्वर्ट भी नहीं हुआ। गॉट इट? तो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एंड गाइस इट्स माई रिक्वेस्ट, मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर टू का मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट करवाया है, एंड इसके बी सी डी और ई तीन पार्ट मैंने गाइस आपसे ओरल डिस्कस करें, और गाइस वो आप भी समझ सकते हो ओरल ही थे वो। गाइस मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे इनका आंसर सॉल्यूशन भेजो, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया बट मैं चाहूंगा गाइस आप मुझे आप इनका आंसर सॉल्यूशन भेजो, ठीक है बेटा? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द न्यू टॉपिक, मतलब न्यू क्वेश्चन, ठीक है? ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।